जितनी हमें बचपन में माँ बाप की जरूरत होती है ना, शब्द समझना, जितनी बचपन में हमें माँ बाप की जरूरत होती है उतनी ही बुढ़ापे में माँ बाप को हमारी जरूरत होती है। लेकिन माँ बाप उस समय खड़े उतरते हैं अपनी ड्यूटी पर जब हमें जरूरत होती है। बचपन में माँ बाप अपनी ड्यूटी पर खड़े उतरते हैं, लेकिन जब माँ बाप को जरूरत होती है हमारी, उस समय हम गद्दार बन जाते हैं, हम बेवफा बन जाते हैं। उस समय हमें फुर्सत नहीं होती, हमें टाइम नहीं होता। और माँ बाप तो हमें पालते समय हजारों काम होते हैं उनको भी करते हैं, और हमें भी पाल पोस करके इतना बड़ा कर देते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान रखना, माँ बाप की जितनी हमें जरूरत थी ना, यदि हमारे हमने कितनी उद्दंडताएं की हैं, कितनी गलतियां की हैं, लेकिन सबको क्षमा करते हुए भी हमें हमारा कभी त्याग नहीं किया। हमारी गलतियों को कोई गिन सकता है क्या? माँ बाप के प्रति जो हमने गलती की है उनको नहीं त्यागा। और हम लोग जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उन्हें पल पल पर जरूरत होती है, और हम लोग उस जरूरत के समय पर हजार काम गिना देते हैं। अरे तुमको अपनी पड़ी है, मेरे को यहां जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, हैं? और तुम पे चैन से बैठा भी नहीं जाता है। ये शब्द कहने वाले की एक दिन जीव में कीड़े पड़ते हैं। उन देवी देवताओं से ऐसा कहना जो तेरे हर मुसीबत में काम आए, हर मुसीबत में, और अंतिम में अभी भी यही कोशिश करते हैं कि ऐसा कछु काम है जाए। पता है माँ बाप मंदिर में जाएंगे तो कछु ऐसा मांगेंगे कि मेरे छोरा को जे काम रुक्यो है, हे मैया मेरे छोरा को जे काम पूरा है जाए। लेकिन लड़का इतना नालायक है, वो ये तक नहीं मांगता कि हे माँ वैष्णो देवी, हे कैला देवी, मुझे ऐसी बुद्धि और ऐसी समय दे दे कि मैं माँ बाप की सेवा कर सकूं। ये कभी नहीं मांगता। माँ बाप ये मांगेंगे कि जाको काम रुके भाई, काम पूरे है जाए। तो भैया मेरी प्रार्थना एक ये है कि एक तो अपने माँ बाप के ऋण से उऋण होने की कोशिश करना, क्योंकि उस कृतज्ञता का फिर कोई प्रायश्चित शास्त्रों में दूसरा बताया नहीं गया। दूसरी बात यह है कि हम लोग ये आशा लेकर के औलाद का पालन पोषण करते हैं कि बुढ़ापे में हमारे काम आवेगी, तो इस आशा को लेके औलाद की सेवा मत करना। अपना कर्तव्य है मैं पूरा करियो, पर जे आशा पालोगे तो फिर तुम्हें कहनी पड़ेगी कि दिल तोड़ दिया औलाद ने। औलाद तुम्हारी इस आशा को पूरी करने वाली नहीं है। हां एक बात पक्की है, जितनी हमने औलाद की सेवा करी है बाकी 5% भी यदि हमने परमात्मा की अथवा का महात्मा की सेवा करी तो वो हमारी सेवा करने वालों की लाइन लगा देगा। उसमें क्षमता है, औलाद करे या न करे। यदि उसके भरोसे हैं तो सेवा करने वालों की लाइन लग जाएगी। मैंने कोई मकान नहीं बनाया, लेकिन क्या मुझे मकानों की कमी है? है? तुम सब डोलते रहते हो कि ज्यादा नहीं तो दो दिना तो है निकरे तो कभी यहां के एक पांव डाल जाए।
मैंने तो एक ईंट लगाई नहीं। क्यों? क्योंकि मैं उसके थोड़े से गीत गा लेता हूं, वो इतना मेहरबान रहता है कि पूरी दुनिया में मकान ही मकान बना डाले है? मैंने कबू हरना हा क्यों न आलू बोए, लेकिन जब चाहो 100 बोरी आलू 200 बोरी आलू मुझे मिल जाएंगे। हर कोल्ड में मेरे आलू हैं है? मैंने कबू बनना बोयो लेकिन कपड़ा रोज उड़ाने वाले आते हैं है? रोज उड़ाने वाले आते हैं। बाके थोड़े से गीत गाने से झूठ मास्को कहीं सांचे हृदय से उसके बन जाए फिर तो कहना ही क्या है। अभी पूरा होना, पूरे होने में बड़ी देर है, मैं खुद बता रहा हूं अपनी बात। अभी मैं थोड़ा सा उसके गीत गा लेता हूं, थोड़ा सा संसार में भी घूमता हूं, थोड़ा सा वासनाओं का गुलाम भी हूं, कामनाओं का गुलाम भी हूं, लेकिन पूर्ण रूपेण यदि उसके हो जाए आहा, कल्पना नहीं की जा सकती क्या ला के रख देगा कदमों में है? जितने पांडाल में लोग जितने बैठे हैं एक भी व्यक्ति, कोई बात ना है बाको पालन पोषण करो, पर जाए सोच के कि जे मेरे काम आवेगा बुढ़ापे में, इसे सोच के मत करना। उसके लिए अलग से थोड़ा सा सेवा परमात्मा की और महात्मा की करते रहना, यदि उनकी दुआ मिल गई तो तुम्हें सेवा करने वाले मिल जाएंगे, औला तो नहीं करेंगे। तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, रजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो। तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, रजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो। घड़ी हो
राजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो, राजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो, राजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो, राजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो। मुझे हर कदम पे हो तेरा सहारा, मेरी हर नजर में हो तेरा नजारा, मेरे दिल में हर दम तेरी लौ लगी हो, यही गीत लब पे मेरे हर घड़ी हो, रजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो, रजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी।